2 सितंबर 2023, ये वो दिन होगा जब भारत का पहला सूर्य मिशन श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। भारत के पहले सूर्य मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। चंद्रयान 3 को लॉन्च होने के बाद उसकी सफल लैंडिंग में 40 दिन का समय लग गया था। आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा और इसरो के मुताबिक इसे सूरज की कक्षा में L1 पॉइंट तक पहुंचने में 110 दिन का समय लगेगा। आदित्य L1 भारत का पहला अभियान है जो केवल सूर्य के अध्ययन के लिए ही पूरी तरह से समर्पित होगा। अंतरिक्ष यान पृथ्वी और सूर्य के बीच लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी कि L1 पर स्थापित किया जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन आदित्य L1 को जहां स्थापित किया जाएगा वो लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर पृथ्वी और सूर्य के बीच है। आदित्य L1 का काम सूर्य के ऊपरी वायुमंडल यानी क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बारे में जानना है। इसके अलावा क्रोमोस्फीयर और कोरोनल हीटिंग और सौर ज्वालाओं का अध्ययन करना है। आदित्य L1 को 7 पेलोड के साथ PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। इसमें से 4 लगातार सूर्य की निगरानी करेंगे जबकि बाकी के 3 आसपास के अंतरिक्ष मौसम के बारे में जानकारी लेंगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित होने वाला ये विश्व का दूसरा मिशन होगा। इससे पहले 1995 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सोलर एवं हीलियोस्पोरी ऑब्जर्वेटरी को भेजा था। इसरो के मुताबिक सूर्य की रोशनी के साथ कई तरह की तरंगे और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, लेकिन पृथ्वी की बाहरी परत होने की वजह से कई तरंगे धरती तक नहीं आ पाती हैं। इसलिए आदित्य L1 मिशन को लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जाएगा जहां पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव नहीं होगा। आशा करती हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।